में आपने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पांचों के पांच राज्य जिनमें सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की है 292 सीटें, चार राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहां पर भी वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और अपने आप में ये जो वक्त है वो काफी महत्वपूर्ण। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन 292 पर वोटिंग हुई है, दो जगहों पर चुनाव नहीं हो सका क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे अलग अलग पार्टियों के उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया, जिसके बाद 16 मई को वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। इस लिहाज से 147 है पश्चिम बंगाल में, 147 इसका आंकड़ा कौन सी पार्टी छुएगी ये महत्वपूर्ण होगा जानना। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तमिलनाडु, कुल 234 सीटें हैं, 118 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार, द्रमुक कांग्रेस की या फिर अन्ना द्रमुक भाजपा की, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। केरल 140 सीटें हैं, 71 चाहिए बहुमत के लिए, वहां पर भाजपा ने भी पूरी ताकत लगाई थी, हालांकि उसके लिए केरल से बहुत अच्छी खबर का अनुमान कम है, लेकिन माना जा रहा है कि एलडीएफ वहां पर अच्छा कर सकती है। ऐसे में यूडीएफ क्या वहां पर एलडीएफ की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई कांग्रेस पार्टी यानी कि यूडीएफ अपनी सरकार बना लेगी या फिर मौजूदा लेफ्ट की सरकार वापसी कर जाएगी, यह महत्वपूर्ण है। असम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है, हालांकि नतीजों के बाद ही इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी असम में चुनाव जीत सकती है। कुल 126 सीटें हैं, 64 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में क्या इस आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी, जबकि पुडुचेरी कुल 30 सीटें हैं बहुमत के लिए चाहिए, 16 सीटें अपने आप में, पुडुचेरी भी काफी ज्यादा अहम। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है, काउंटिंग में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। फ्लाइट में जिस तरह से बीच वाली कुर्सी छोड़कर बैठते हैं या फिर पीपीई किट पहनाकर बैठाया जाता है, बिल्कुल वैसे जितने भी इसमें कर्मचारी लगेंगे उन सभी को कोरोना के इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको बताते चले सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया गया है, जिन लोगों को डोज लगे हुए हैं कोरोना वैक्सीनेशन के उनको उस सर्टिफिकेट के साथ जाना होगा। इस लिहाज से वहां पर तैयारियां की गई थी और अब वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। मौसमी सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनके जरिए ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से खासतौर से आज का ये जो सूरज है वो क्या उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आएगा या फिर उम्मीदें जिस तरह से धराशायी हो रही हैं कोरोना के संकट काल में, जब लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हर एक के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। मौसमी वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए अब परीक्षा की घड़ी और उसका रिजल्ट बस कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया और यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में भी चित्रा हलचल शुरू हो गई है क्योंकि सुबह सुबह